नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। नए कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान संगठनों की तकरार बढ़ती जा रही है, यानी कि कोरोना के बाद फिर किसान संगठन ने आर्थिक तरक्की को रफ्तार को रोक दिया है। हमारे साथ फैम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और WHO के प्रेसिडेंट परवीन आनंद जी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। परवीन जी, किसानों का आंदोलन चल रहा है, इससे पहले कोरोना ने जो आर्थिक रफ्तार है व्यापार को प्रभावित किया है, इस आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? आज मैं परवीन आनंद, फेडरेशन ऑल इंडिया व्यापार मंडल के चेयरमैन दिल्ली इकाई का और कोस्टा का सदर बाजार का प्रेसिडेंट और WHA का प्रेसिडेंट, मैं ये तीनों अच्छी संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ और व्यापारी हितों के लिए हमेशा काम करने के लिए अग्रसर रहे हैं और व्यापारी के लिए हमेशा समस्याओं को उठाने की कोशिश करते हैं। आज जो ये जो आंदोलन चल रहा है, किसान का जो आंदोलन चल रहा है, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि सरकार जो है इसको किस एंगल से ले रही है, किस तरीके से सोच रही है, ये एक बहुत बड़ी समस्या का वो बनती जा रही है। आज व्यापारी, देखिए, किसान भी जो है या उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं या जितने भी लोग हैं, आज ये हमारी आर्थिक जो संबंध है वो किसान से बहुत ज़्यादा है और किसान ही हमारे देश के लिए अन्नदाता है। वो ठीक है कि आज हमारा किसान जो है उसको सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो गए हैं, और यहाँ वो लोग किस लिए इस चीज़ के लिए इतना विरोध कर रहे हैं, इस बात को समझने के लिए हम लोगों को सरकारी पक्ष और किसान के पक्ष, अगर किसान को अगर ये सही लगता तो इस तरह का आंदोलन नहीं होता, वमंडर नहीं होता। इसका मतलब है कि सरकार की नीतियों के विरोध के अंदर किसान ये चाहता है कि जो चीज़ आप कानून बनाना चाहते हैं, जो कानून आप हमारे ऊपर लागू करना चाहते हैं, कृपया हमें भी उसका स्टेक होल्डर बनाकर हमारे को सुनने के बाद आप विचार करके उसको आगे लाएं, ना कि इस तरह से आपने जो अध्यादेश जारी किया है उससे किसान लोग अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारे ऊपर कानून बनाया जा रहा है तो कम से कम हमारी बात को समझा जाए, हमारे को मौका दिया जाए, और ये जो कानून है इसको मतलब ना तो ये कोई बिल पास किया गया और इसके लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया। तो आज सबसे बड़ी सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं सरकारी तंत्र जो होते हैं वो देश की खुशहाली के लिए और देश में अमन शांति रहे और देश के व्यापार के लिए एक माहौल ऐसा बना रहे जिसके अंदर देश का व्यापारी जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, इस तरह की एक व्यवस्था सरकार से मैं चाहता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि वो किसानों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर, किसान नेताओं को अपने साथ बिठाकर और इस चर्चा को सार्थक रूप दें, ना कि हम एक दूसरे को ईगो बनाकर और इसको अपना प्रेस्टीज इशू बनाकर आज इस तरह के कार्य करते रहें। मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि सरकारें जो होती हैं वो देश के हित के लिए और जनता के हित के लिए काम करती हैं, और ये जो किसान हैं ये भी हमारे देश की जनता हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए हैं, और अगर इनको कोई कठिनाई महसूस हो रही है या इनको कोई दिक्कत आ रही है तो सरकार को चर्चा करने में क्या अतराज है, आज इसको इशू बनाने का क्या मतलब है? अगर ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ अगर आपने अगर जनता के लिए बना दी है और वो बाद में ऐसा लगता है कि हमने इनसे बात नहीं करी, चर्चा नहीं करी, तो अब उसको आप थोड़े टाइम के लिए आगे ले जाके इसकी चर्चा कर लो, सार्थक चर्चा कर लो, अभी मत इम्प्लीमेंट करो। तो ये देश का, ये सारी जनता देश की है, और ये जो किसान हैं ये किसके लिए काम करते हैं? देश के लिए काम करते हैं, लेकिन जो उनकी स्थितियां हैं, जो उनकी हर साल जो इतने लोग सुसाइड करते हैं किसान, तो ये सारी समस्या कहीं ना कहीं कोई पेच है, जहाँ जो लोग इसको समस्या को उलझाना चाहते हैं वो
तभी साइडलाइन हो सकते हैं जब आप आपस में बैठकर एक दूसरे से सार्थक चर्चा करेंगे। और मैं व्यापारी होने के नाते और संस्थाओं से जुड़े होने के नाते और देश के प्रति मेरी एक भावना है कि हमारा देश तरक्की करे, आगे बढ़े, तो इन चीज़ों के लिए हमारे को रास्ते बनाने के लिए सरकार का बहुत बड़ा हाथ होता है। और सरकारी तंत्र जो है वो इस बात को जितना जल्दी इस चीज़ की समस्याओं को हल करेंगे उतना व्यापारी वर्ग के लिए भी अच्छा होगा, सरकारी तंत्र के लिए भी अच्छा होगा। और सरकारों को भी कोई चीज़ अगर समय पे सॉल्व करते हैं तो उनको भी अप्रिशिएट किया जाएगा, उनको भी लोग कहेंगे कि यार इन्होंने एक सार्थक कदम उठा के इस चीज़ को ख़त्म किया। तो मेरा तो यही है कि दोनों पक्षों को एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे इस तरह के एजिटेशन जो देश के लिए, देश की जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, जो देश की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको अपने तरीके से सॉल्व करना चाहिए और इसको लंबा नहीं जाने देना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। तो व्यापार जगत से भी किसान संगठनों और सरकार के बीच जो गतिरोध चल रहा है उसको जल्द से जल्द हल करने की मांग की जा रही है और रास्ता संवाद का है, सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।